जगत के मशहूर एक्टर करणवीर बोरा के खिलाफ हाल ही में एक महिला ने उन पर ठगी का आरोप लगाया है। साथ ही उस महिला ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज करवाया है। उस 40 साल की महिला ने एक्टर करणवीर बोरा समेत 6 और लोगों के खिलाफ ठगी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनसे 1.99 करोड़ रुपए लिए गए थे, जिस पर उन्हें 2.5% ब्याज पर लौटाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस अमाउंट में से सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही एक्टर ने वापस किए हैं, जिसके बाद महिला ने इस मामले को लेकर ओशिवारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। यहाँ हम आपको बता दें कि करण हाल ही में कंगना रनौत के फेमस शो लॉकअप में नजर आए थे और इस शो में उनके कई राज भी सामने आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी ये बताया था कि वो कर्ज में डूबे हुए हैं। उनका कहना था कि मैं कर्ज में पूरी तरह डूब चुका हूँ, हालत ऐसी है कि मैं सर उठाकर नहीं चल सकता। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि उन पर कई केस भी चल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि 2015 से अब तक मैं जो काम लेता हूँ वो कर्ज चुकाने के लिए लेता हूँ। मुझे कई बार इतना ज्यादा बुरा लगता है कि खुद के लिए और परिवार के लिए मैं आखिर उन्हें दे क्या रहा हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो सुसाइड कर लेता। एक्टर की वर्क फ्रंट की बात करें तो वो कई फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुके हैं। करण ने अपने करियर की शुरुआत तेजा फिल्म से की थी। ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी। इसके बाद टीवी सीरियल्स और फिल्मों में साथ साथ काम किया। फिल्मों में तो करणवीर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन उनका टेलीविजन करियर बेहतरीन रहा। इन सीरियल्स में क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्या हादसा क्या हकीकत, कुसुम, शरारत, कसौटी जिंदगी की, पिया के घर जाना है, एक से बढ़कर एक, कबूल है, कुमकुम भाग्य और नागिन 2 सीरियल शामिल है। देखा जाए तो ये पहली बार नहीं जब किसी सेलेब पर ठगी या धोखाधड़ी का आरोप लगा हो। इससे पहले भी कई नामी ग्रामी चेहरे सामने आ चुके हैं, जिसमें शिल्पा शेट्टी, सुकेश चंद्रशेखर समेत श्रद्धा कपूर भी शामिल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल MDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।